व्यूअर्स, माय नेम इज अबू। वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ प्लैनेट ज़ू। वेबो गेमिंग मित्र मंडल, आपका स्वागत करता है। इन द लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा एक अफ्रीकन विलेज बनाया था हमारा प्यारे से ज़ू में, एंड हमने बहुत सारे एग्जीबिशन सेंटर्स लगाए थे जहाँ पे हमारे पास कुछ स्कॉर्पियंस है, कुछ मेंढक है अलग टाइप के, और एक बहुत बड़ा एनाकोंडा भी है। एनाकोंडा कहाँ पे रहता है ये रहा भाई, अभी भी उधर ही है। ऐसा देखो, आटोरी मार के गिरोड़ी मार के बैठा है। और आज हम इसके लिए एक फीमेल लेके आएंगे, आई मीन इसका एक पार्टनर, एंड जो कुछ मेंढक वगैरह थे आई थिंक उनकी ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो सबसे पहले वही देखते हैं। अभी मैं सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पे कितने मेंढक है टोटल, मुझे उनको बेचना है। बेचने के लिए क्या करना होता है एनिमल में? ये आ गए सारे के सारे मेंढक और उनको हम यहाँ से बेचेंगे। टोटल 8 मेंढक है आई थिंक, बस हमको 2 मेंढकों को यहाँ पे रखवाना है, एक मेल और फीमेल। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये मेल और फीमेल है इनको रखते हैं और बाकी के मेंढक हम बेचेंगे। क्विक ट्रेड, इजी मनी। अरे इतने भी नहीं यार, मेरे को लगा था एटलीस्ट 5-10 हज़ार तो मिलेंगे, बस $2,000। ठीक है, अभी क्विक ट्रेड कर दिया और हमको थोड़े से पैसे मिल गए यहाँ से। और इसी तरीके से आज मैं थोड़े से और एग्जीबिशन यहाँ पे सेंटर्स लगाने वाला हूँ। व्हाट, ये प्रोटेस्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट्स द इशू? एक सेकेंड गाइज, ये जिराफ को कुछ यहाँ पे इशू हो रहा है। व्हाट्स द इशू भाई, इशू क्या हो रहा है तेरे को? क्रिटिकल एरिया और क्राउडिंग इशूज आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कुछ भीड़ हो रही है क्या? बट भीड़ तो बिल्कुल नहीं है। अनेबल टू ब्रीड एंड इंटरैक्ट। ओके, तो जो हमारी अर्थ है उसके लिए आई थिंक अलग ये टाइप का जिराफ चाहिए ब्रीड करने के लिए। और ये तभी यहाँ से प्रोटेस्टर जाएंगे, देखो कितने 4-5 लोग यहाँ पे आके चिल्ला रहे। ये आ गया जिराफ, और अभी हमको एक जिराफ बाय करना है, बट बहुत ज़्यादा महंगे भाई। ये सारे के सारे कंजर्वेशन क्रेडिट्स में ही मिल रहे हैं। पैसों वाला कोई जिराफ यहाँ पे नहीं है क्या? मैं एक बार फिल्टर करके देखता हूँ, ओनली कैश वाला। आर यू सीरियस? कैश वाला गाइज यहाँ पे एक भी जिराफ नहीं है। ओ माय गॉड, अभी यार इनके लिए मैं क्या करूँ गाइज? अगर आपके पास कुछ आइडिया इसका मुझे प्लीज कमेंट्स में सजेस्ट कर दो, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में यहाँ पे करूँ क्या मैं। शेल्टर स्पेस इज क्रिटिकली इनसफिशिएंट टू कवर ऑल एनिमल्स। अबे साले, ये इतना बड़ा यहाँ पे मैंने स्कल लगा दिया है, फिर भी यहाँ पे शेल्टर का इशू आ रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे गाइज यहाँ पे एक हैबिटेट और लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हमारे पास अभी ऑस्ट्रेलियन शेल्टर भी अभी अवेलेबल है। वाह, ये भी देखने में बहुत प्यारा सा है, तो थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा आई थिंक मुझे यहाँ पे बड़ा शेल्टर। ये तो काफ़ी बड़ा है, तो ये यहाँ पे लगा दिया तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लगा दिया मैंने यहाँ पे, और ये जिराफ वो बॉक्स हो गए, एक सेकेंड, वो इसके ऊपर आ गए थे गलती से। तो यहाँ पे भी एक शेल्टर भी आ चुका है, तो आई होप अभी इसका शेल्टर का यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भाई ये एनिमल्स के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं यार। ये हाई ग्रीजर फीडर, ये क्या होता है? देन ये भी यहाँ पे लगा देते भाई, ये ले अगर तेरे को खाना चाहिए तो ये यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, लगा दिया मैंने एक। ओ अभी एनरिचमेंट 100% हो गया। और एक दिन इधर भी लगाते हैं, 2-3 भाई लगा देता हूँ इनके साथ, यू नो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। और अभी इस प्रोटेस्टर भाई जाओ भाई उनके, अभी मैं खाना वगैरह भी दे रहा हूँ टाइम टू टाइम। मेरे दिमाग में गाइस आइडिया है, अगर ये जिराफ को हमारे अर्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इसको सीधा रिलीज टू वाइल्ड कर देते हैं। जा जिराफ, जी ले अपनी जिंदगी। और जिराफ को रिलीज करने से 213 पॉइंट्स मिलते हैं। भेज दिया मैंने उसको, रिलीज टू वाइल्ड कर दिया। तो अभी प्रोटेस्टर आई होप चले जाएंगे। अभी जाओ भाई गधो, तुम लोग यहाँ पे अभी भी क्यों रुके हो? पता नहीं यार, अभी मैंने उस यू नो अर्थ को रिलीज टू वाइल कर दिया है, बट स्टिल इनका यहाँ पे वेलफेयर का इशू आ रहा है। टेरेन का हार्ट शेल्टर का इशू है, तो ये मैं बड़ा सा देन ये यहाँ से हटा दो क्या भाई? ये स्कल आइलैंड, ये फिर यहाँ पे आई थिंक इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये पूरा एरिया खुला होता ना, तो मैं भी यहाँ पे देन वो शेल्टर का इशू यहाँ पे नहीं होता। और मोटू साइबेरियन हस्की डाइड। व्हाट डाइड? ओ भाई क्या हो रहा है इसको? एक सेकेंड ओ ये मर रहा है। ओह नो, आई मीन ओल्ड एज की वजह से भाई, देखो उसकी डेथ मेरी आंखों के सामने होने वाली है भाई। यार देखो वो थक गया। ओ माय गॉड यार, सुबह सुबह क्या देख रहा हूं मैं भाई ये। और ये भी मर गया क्या? नहीं, आई थिंक ये बड़ा हो गया। एंड आई थिंक जो हमारा पतलू था गाइस, वो उसकी भी आई थिंक डेथ हो गई है। देखो यहाँ पे ये यार मर गया यार, एनिमल डाइड। ओ नो, अभी मैंने वेट को बुला लिया है, तो आई थिंक मुझे भी इनके लिए यहाँ पे ना एक प्यारा सा ऐसा ग्रेवयार्ड भी बनाना चाहिए जहाँ पे हम इनको श्रद्धांजलि देंगे। भाई प्लीज़ हमारे मोटू के लिए रिप मोटू लिख दो भाई, इसकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। अभी ये वेट आके इसको यहाँ से ले जाएगा। देखो उसको बॉक्स कर लिया उसने। आई एम सो सॉरी ब्रो, अभी इसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए, और देखो हमारा वेट भी नाराज़ हो गया, दुखी हो गया भाई, क्योंकि भाई हम इनकी एनिमल्स की बहुत केयर करते हैं। ये वाला साइन बोर्ड यहाँ पे लगाते हैं, जितने भी टाइगर्स हमारे मरेंगे ना, उन सारे टाइगर्स के नाम हम यहाँ पे रखेंगे, हम डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, मोटू था ना ये, ये हमारा मोटू ही था, तो रिप मोटू यहाँ पे लिख देते हैं।
उसकी आत्मा को शांति मिले आई होप। और देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करते हैं। देखो ये भी उसको आई थिंक याद कर रहा है जहाँ पे हमने रिप मोटो लिखा था ना वहीं पे। ये कौन है पावेल हमारा, वहीं पे जाके यू नो उसको मिस कर रहा है। देखो उसको बुरा लग रहा है यार, उसके पापा की या उसके पापा की डेथ हो गई है। आई एम सो सॉरी ब्रो बट यू शुड मूव ऑन। ठीक है भाई, अभी हमारा एक और टाइगर मर गया बट अभी हमारे पास दो टाइगर्स है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनका जो वंशज है, वंश जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। एलिफेंट्स ने अभी तक कोई बच्चा, यस भाई आज की रात में देखो हमारा मतलब एक दुख की खबर थी और एक खुशखबरी भी है कि एक और एलिफेंट आ गया हमारे जू में। इसका नाम क्या है वैसे? ओलू बायो, कितना वियर्ड सा नाम है। इसको हम यहाँ से नाम चेंज करके इसको हम अगस्त बुलाएंगे, नहीं इसको मार्च बुलाते हैं। मार्च, इस वाले एलिफेंट का नाम मार्च है तो हैप्पी बर्थडे मार्च भी लिख दो। एक छोटा सा एलिफेंट आ गया। और अभी एक बार मैं देखता हूँ, मुझे इनका भी थोड़ा सा एनरिचमेंट, यहाँ पे 83% हुआ है तो मुझे थोड़ा सा एनरिचमेंट और करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं, कुछ नया खिलौना अनलॉक हो गया क्या एलिफेंट्स के लिए? वो फुटबॉल है, लार्ज फुटबॉल। ये यहाँ पे लार्ज फुटबॉल लगा देते हैं तो ये बच्चा उनके उस फुटबॉल के साथ खेलेगा। देन यहाँ पे ये स्किटल है, ये भी लगा देते हैं। और क्या क्या है हमारे पास? ये क्या चीज़ है? ट्री स्कैटर फीडर। वो ये अलग अलग टाइप की फीडर है भाई, ये बढ़िया चीज़ है ना, तो ये भी यहाँ पे लगा देते हैं। ये मैंने एक और फीडर लगा दिया, अभी 100% एनरिचमेंट हो गया। तो अभी मैंने कुछ नई चीज़ें यहाँ पे एलिफेंट्स के लिए लगा दी है। देन और क्या मिलेगा यहाँ पे फूड के लिए? या खाने की सारी चीज़ें मैंने लगा दी है। देन शेल्टर की तो कोई ज़रूरत नहीं, एकदम प्यारा सा मैंने शेल्टर बना दिया है यहाँ पे। ये 98 क्रेडिट्स में मिल रहा है तो इसको मैं यहाँ पे इजीली लेके आ सकता हूँ कैमल को। हाँ तो कैमल को ऊँट को लेके आते हैं भाई, ऊँट भी काफ़ी यू नो प्यारा सा एनिमल होता है। तो ये फीमेल है और मुझे मेल भी चाहिए तो इनको मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ आई थिंक। या इसको अडॉप्ट करते हैं, ये मेल है अडॉप्ट, एंड फीमेल को भी अडॉप्ट करते हैं। ये 98 क्रेडिट्स में ही मिल रही है, उसकी उम्र 16 साल की है। और ये जिंदा कितने दिनों तक रह सकते हैं मुझे इसका जूपीडिया भी देखना पड़ेगा। इसको अडॉप्ट करते हैं और एक बार इनका जूपीडिया देखते हैं, इनको कौन सा हैबिटेट चाहिए। तो गाइस आज हमारे जू में कैमल्स आने वाले हैं, बहुत प्यारा मतलब अच्छा एनिमल है। इसके लिए दो कैमल्स को या 1000 मीटर का स्पेस चलेगा। देन यहाँ पे उनको पानी वगैरह तो नहीं चाहिए। और -40 है क्या ये? नहीं -40 नहीं है ये, उनको 40-44 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर चाहिए। समझ गया मैं, ठीक है। इधर का एरिया मेरे को एकदम प्रॉपर लग रहा है, यहाँ पे कैमल का हैबिटेट बन जाएगा। अगर इधर बना दिया ना तो हमारा जू कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगेगा भाई सामने की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा मुझे इस तरफ थोड़ा सा एक्सचेंज करना चाहिए सबसे पहले। तो इस जगह पर हमारा कैमल का हैबिटेट बनेगा और यहाँ पे लोगों के आने के लिए भी यहाँ से रास्ते तो इजीली यहाँ पे आ सकते हमारे कैमल को देखने के लिए। तो इस जगह पे कैमल का हैबिटेट बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे गेट तो लगा दिया हमारे जिराफ के हैबिटेट के लिए, लेकिन उससे भी पहले एक बार देखता हूँ क्या मेरे पास कोई ब्लू प्रिंट है यहाँ पे। अगर होगी तो मैं वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, हैबिटेट वाला ब्लू प्रिंट। लेट मी चेक कोई हैबिटेट यहाँ पे है क्या। ये क्या चीज़ है? ये फ्रेम है, ये फ्रेम के साथ इसका क्या होता है भाई पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें भाई यहाँ पे, ये बड़ी बड़ी सी फ्रेम से मैं भी इसके ऊपर ही एनिमल्स वगैरह खेलेंगे। और ये मेरे पास एक लार्ज प्रिमल हैबिटेट है, ये लगा देगा भाई यहाँ पे। ये लगा दिया तो चलेगा क्या जिराफ के लिए? इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, मे बी इसके अंदर कौन सा भी एनिमल भी फिट हो सकता है। तो इसको अगर यहाँ पे हमने लगाया तो इसके अंदर जिराफ आई थिंक फिट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके जस्ट लगा के देखते हैं। बट इसको कितने पैसे चाहिए, कितने में बनेगा वो? कुछ $7,000, ज़्यादा पैसे वैसे नहीं चाहिए इसको। तो थोड़ा सा घुमाते हैं, वो उधर बन गया। ओके थोड़ा सा पीछे बन गया ये। अरे भाई बट ऐसा क्यों बनाया? आई डोंट नो भाई, ये साइड में इसका कुछ भाई, ये क्या हो गया इसको? बट ठीक है गाइज, ये हैबिटेट तो इधर बन चुका है। यहाँ से ये जो पाथ है ये बस हमारे स्टाफ का ही पाथ है, तो यहाँ पे मुझे स्टाफ का पाथ ऐसे लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला ही पाथ से सामने की तरफ ऐसे लेके आते हैं जहाँ से हमारा स्टाफ जिराफ की केयर करने के लिए जाएगा। यहाँ से ये ओनली स्टाफ वाला पाथ है, तो इसको एक काम करते हैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रिज बना के लेके चलते दूसरी तरफ। हाँ वो बढ़िया आइडिया रहेगा आई थिंक। तो इसको यहाँ से ऊपर लेके चलते जस्ट लाइक दिस, यहाँ से हमारा पाथ स्टाफ जाएगा उसकी केयर करने के लिए नीचे, एंड ये कनेक्ट इट ओवर हेयर। ओके गाइज, मैंने एक एलिवेटेड पाथ बना दिया है तो जो हमारा स्टाफ है, हमारा जो वर्क स्टाफ है, वो यहाँ से ईजिली ऐसा चल के इस तरफ आ सकता है हमारे जिराफ को देखने के लिए। जिराफ नहीं, उसका नाम कैमल है, मैं उसको बार बार जिराफ क्यों बोल रहा हूँ। और अभी मैं जल्दी से इसको अभी मुझे इस हैबिटेट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से आते हैं स्टाफ में और वर्क जोन में आके अफ्रीकन विलेज, हाँ ये वाला हैबिटेट यहाँ पे बस ऐड कर देते हैं अफ्रीकन विलेज में। ये मैंने ऐड कर दिया अफ्रीकन विलेज में हैबिटेट, एंड ये वाला गेट मुझे आई थिंक यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अभी ये क्या हो गया, डिलीट करना है बस इसको यहाँ से, डिलीट पाथ डिलीट, एंड ये वाला गेट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा अभी, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीटेड।
और ये भी डिलीट कर देते हैं। परफेक्ट, तो अभी मैंने सारा हैबिटेट का पार्ट डिलीट कर दिया, 1, 2 दोनों को सिलेक्ट कर लिया और सेंड टू जू ये वाले जगह पे। अभी डिलीवरी स्केड्यूल हो चुकी है, सो आई थिंक अभी हमारा स्टाफ, मैं गेम कौन करता हूँ, कैमल को लेके यहाँ पे आ जाएगा। जा रहे हैं ये लोग, देखो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पे लगभग मैंने लास्ट टाइम भी लगभग सारे बंदे यहाँ पे मैंने लगा दिए थे, स्टाफ वेट वगैरह, तो वो सारे लोग आई थिंक यू नो इसकी यहाँ पे जाके केयर कर देंगे। एंड ये हमारे अभी जू से थोड़ा सा दूर बना है हैबिटेट, तो ये बीच वाले एरिया में मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लोग उसको देखने के लिए आएंगे। एंड ये कैमल हमारे जू में आ जाएगा। दोनों एक साथ आएंगे क्या एक ही बॉक्स में? नहीं, एक ही आ गया है, दूसरा कौन लेके आ रहा है फिर? आई थिंक यही जाएगा क्योंकि यहाँ पे बस एक ही बंदा काम करने के लिए। अभी हमको देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे खुश वगैरह लग रहा है ना, खुश तो लग रहा है मुझे। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? एंड इसका हैबिटेट वैसे काफ़ी प्रीटे हैबिटेट है, बड़े बड़े ट्रीज वगैरह है। अभी बस मुझे देखना पड़ेगा इसको यहाँ पे ये पसंद है या नहीं है, इसका सोशल ग्रुप, इसका यहाँ पे हैबिटेट वगैरह। थोड़ी सी रॉक्स चाहिए, थोड़े से नो वरीज, थोड़े से यहाँ पे रॉक्स वगैरह लगा देते हैं। ये पानी के साइड में थोड़े से रॉक्स आई थिंक लगाते हैं, थोड़े से ये पूरा एरिया रॉक ही रहेगा, पूरा रॉक ही रॉक ही हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। एंड थोड़ी सी सैंड भी चाहिए, तो सैंड के लिए सैंड काफ़ी सारी चाहिए, पानी के साइड में आई थिंक सैंड अच्छी लगती है, तो ये पूरे एरिया में मैं थोड़ी सी सैंड लगा देता हूँ ऐसा। और इसकी साइज़ इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते, थोड़ा सा डार्क सैंड लगेगा तो यू नो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी कितनी सैंड यार, बहुत सारी सैंड लगा दी मैंने, अभी भी इनको सैंड ही चाहिए। अभी सैंड का इशू सॉल्व हो गया, तो ये पूरा सैंडी सैंडी एरिया हो गया। एंड अभी थोड़ा सा रॉक और चाहिए, तो रॉक ये पीछे की तरफ लगा दिया तो भी चलेगा आई थिंक। देखो अभी ये पूरा इनका टेरेन का मामला हमने सॉल्ट आउट कर दिया, यहाँ पे सब कुछ ओके है, नो प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। बस ये कवरेज, ये वाले ट्रीज उसको पसंद नहीं है, तो जो ट्रीज पसंद नहीं है उनको मुझे गाइस यहाँ से, भाई लगभग सारे ट्रीज उसको पसंद नहीं है, उसको जो चीज़ें बस पसंद है मुझे बस उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रखवाना पड़ेगा। अरे भाई सारी चीज़ें हटा दी, देखो ये पूरा भाई पूरे मतलब लगभग सारे ट्रीज ही हट गए, बस इसको यही यार ये चीज़ें यहाँ पे पसंद है। एंड देन अभी इसको जो चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ पे यू नो लगा दूंगा। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिसर्च भी करेंगे, तो यहाँ से आते हैं वेट रिसर्च में। और अभी मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई यहाँ पे यू नो आके थोड़ा सा रिसर्च कर दियो कैमल के ऊपर, तो भाई कैमल के ऊपर रिसर्च रहेगी। एंड स्टाफ हैविंग क्यू इन फैसिलिटी, कहाँ पे भाई, कहाँ पे क्यू हो रहा है किसी? ओ ये मैकेनिक को यहाँ पे गाइस वेट करना पड़ रहा है, तो मुझे आई थिंक एक और मैकेनिक का शॉप आई थिंक ऐड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस मैकेनिक शॉप को मैं कॉपी करके एक और मैकेनिक शॉप यहाँ पे लगा देता हूँ फिर। या यहाँ पे मैंने एक और मैकेनिक शॉप लगा दिया, और अभी बस मुझे इस मैकेनिक शॉप को वर्क जोन आई थिंक, हाँ वर्क जोन 1 के अंदर ऐड करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे जल्दी से आते हैं स्टाफ में, वर्क जोन नंबर 1 के अंदर ये वाला ऐड रहेगा। ओके मैंने उसको ऐड कर दिया, तो वो मैकेनिक को वहाँ पे वेट करना नहीं पड़ेगा। देखा वो यहाँ से भी जल्दी से चला जाएगा। अभी हमको देखना पड़ेगा कैमल को कौन सा एरिया पसंद है, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रीज वगैरह लगाते हैं। डेजर्ट बायोम एंड टेम्परेचर वाला बायोम है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ है वो सारी चीज़ें हम कैमल के लिए यहाँ पे लगा देंगे। बड़े बड़े ट्रीज जैसा वो जंगल था एग्जैक्टली, मुझे वैसा यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बैम्बू साइज़ की ट्री है, ये भी दिखने में बढ़िया लगता है, तो काम करते हैं ये ऐसा किनारे पे लगा देते हैं, मुझे ये वाले ट्रीज काफ़ी पसंद है, तो ऐसा ये इधर अच्छा लगेगा आई थिंक। 2-3 नारियल के ट्रीज भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कैमल्स को पसंद है नारियल के ट्रीज, ठीक है लगा दिए। एक यहाँ पे भी होना चाहिए, एक इधर लगाते परफेक्ट। कैमल के ट्रीज है इसको, नारियल के ट्रीज पसंद है। देन ये वाला एक बड़ा सा झाड़ है ऐसा, ये भी लगाते हैं फिर यहाँ पे, ऐसा जंगल जैसा थोड़ा सा फील आना चाहिए। देन थोड़े से इधर भी लगाते हैं ऐसा, यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस है कैमल के लिए। एक इधर रहेगा, एक इधर लगाते हैं, अभी सही है। इल्म ट्री, ये क्या होता है? ओह ये तो काफ़ी वियर्ड सा ट्री है, तो ये भी यहाँ पे लगाना देन बनता है, तो ये वाला ट्री इधर लगाते हैं। ये भी देखने में बढ़िया लग रहा है। ओह भाई साहब ये दोनों कैमल्स गाइस मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, इनका एकदम प्रॉपर हैबिटेट है ऐसा, ऊपर यू नो चढ़ने के लिए जगह वगैरह है, तो दोनों कैमल्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं। और अभी इनको भूख लगी है ऑब्वियसली, ये वाला उनको ट्री पसंद नहीं है, जो ट्री पसंद नहीं है उन्होंने उनको हटा दिया। और अभी बस मुझे यहाँ पे कवरेज, थोड़े से और प्लांट्स का कवरेज चाहिए। अबे और कितने प्लांट्स का कवरेज दूं मैं तुम लोगों को, बट अभी इनका थोड़ा सा एनरिचमेंट देखते हैं, खाने पानी का सिस्टम देखना पड़ेगा। सबसे पहले भी यहाँ पे खाने का देखते हैं क्योंकि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो वाटर पाइप भाई, खाने का क्या है, फीडिंग स्टेशंस, हाँ यहाँ पे फीडिंग स्टेशंस है, एक काम करते हैं यहाँ पे देन फीडिंग स्टेशंस लगाते हैं। देखो इनको यहाँ पे हमारे स्टाफ ने आके ये लोग खाना दे दिया है, तो ये फीडिंग स्टेशन यहाँ पे रहेगा। आई थिंक मुझे 2 लगाने चाहिए, और फीडिंग स्टेशन इस जगह पे लगाते हैं जहाँ से लोग उसको देख पाए, बट लोगों के देखने के लिए मुझे यहाँ पे देन भाई ब्रिज लगाना पड़ेगा इधर से साइड से। तो एक काम करते हैं फीडिंग स्टेशन देन इधर ही लगाते हैं, एक और फीडिंग स्टेशन लगा दिया, 2 फीडिंग स्टेशन आ गए। देन मुझे वाटर का भी गाइस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, शेल्टर के लिए इनको शेल्टर की ज़रूरत है वैसे, हार्ड शेल्टर की।
नहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक हार्ड शेल्टर ऑलरेडी इनको यहाँ पे इसी हैबिटेट में दिया गया है। देन थोड़ा सा एनरिचमेंट देखते हैं इनको, यहाँ पे हैंगिंग ग्रेजर फीडर ये चाहिए, तो ये भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये आई थिंक ये इनको फीड करेगा ये फीडर, और एक और फीडर इधर लगा दिया इसके साइड में ताकि लोग उसको देख पाए। जितने ज़्यादा यू नो लोग इनको खाते पीते वक्त देखेंगे ना उनका हमारे लिए मतलब उतना हमारे लिए अच्छा होगा। देन इसको ये वाले ट्रीज पसंद है, ओके ये वाले ट्रीज लगा देते फिर यहाँ पे। ले भाई दो तीन ट्रीज लगा देते, ये आई थिंक इससे खुश हो जाएगा। एक और लगा दिया मैंने, नाइस। ये जिराफ अपनी पीठ को इधर खुजा रहा है, एक सेकंड यार, इनको खुजाने के लिए वो स्टेशन पे होता है ना वो भी आई थिंक मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हाँ ये स्क्रबर होता है भाई, ये ले रोलो रोलिंग स्क्रबर, तुझे ट्री को खुजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई मीन ट्री के मदद से यहाँ पे ये स्क्रबर्स लगा रहते हैं। एक स्क्रबर उधर है तो एक यहाँ पे भी होना चाहिए आई थिंक। एक काम करते ऊपर लगाते हैं, ऊपर यहाँ पे इधर एक होना चाहिए, तो एक स्क्रबर इधर लगेगा, एक और लगाते यहाँ पे। तो मैंने दो तीन स्क्रबर्स लगा दिए, ये अपनी पीठ वगैरह यहाँ पे खुजा सकते हैं। विविंग प्लेटफॉर्म, वो ये क्या होता है? हाँ भाई ये मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, अगर ये लगा दिया तो यू नो लोग उसको देख पाएंगे हमारे कैमल को इधर से। तो विविंग प्लेटफॉर्म लगा दे क्या फिर, बट इसकी एंट्री एंट्रांस किधर से है पता नहीं। अभी मैंने लगा दिया गलती से, एक सेकेंड सॉरी, वो गलती से लग गया विविंग प्लेटफॉर्म, बट लोग देखेंगे किधर से, एक सेकेंड गाइज, आई थिंक इधर से ही देखेंगे ना। ये वाला पार्ट एकदम बेस्ट आई थिंक कैमल को देखने के लिए। और अभी इसको बस यहाँ से नीचे लेके जाओ एंड लगाओ, आई थिंक लगा दे क्या, लगा दिया मैंने। $2,000 में बनाई है और आई थिंक इधर से इसको लोग इजीली देख पाएंगे, यहाँ पे आएंगे, बट लोग ऊपर से चढ़ेंगे कैसे मेरे को भाई कोई आइडिया नहीं है। मुझे भी यहाँ पे ना ब्रिज बनाना पड़ेगा रोड का, बना के देखते, एक पाथ बना के देखते हैं ठीक है। ये एक रोड का पाथ यहाँ पे बनेगा, इसको मुझे पेज अप करना पड़ेगा थोड़ा सा और ऊपर, हाँ इतना ऊपर आई थिंक ठीक है, अभी सही है या हाँ ये आई थिंक यहाँ से चला जाएगा अंदर की तरफ। आ जा, लोग जा पाएंगे क्या, ये बीच में आ रहा है उसका थोड़ा सा पार्ट आई थिंक, ये यहाँ तक आएगा ऐसा। तो गाइज मैंने रोड्स के कनेक्शंस करवा दिए है, एक काम करते हैं सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, इसके हिसाब से हम ये बनाएंगे। हाँ देखो अभी यहाँ पे मैंने रोड्स के तो कनेक्शंस करवा दिए और मुझे इसको वापस यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा इस पार्ट को, विविंग प्लेटफॉर्म को। अभी विविंग प्लेटफॉर्म लगा के देखते हैं, अभी ये दिखने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा आई थिंक। अभी मैं इसके एग्जाम यू नो मेजरमेंट के हिसाब से बना सकता हूँ इसका, यू नो इसको कितना ऊँचा बनाना है या कितना मुझे नीचे बनाना है, वो सारी चीज़ें इधर हम फिक्स कर सकते हैं। बना दिया मैंने ये प्लेटफॉर्म, विविंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बन चुका है, तो लोग अभी यहाँ से इसको ऊपर से देख पाएंगे, इजीली देख पाएंगे, नो प्रॉब्लम। अभी हमारा ये प्लेटफॉर्म इधर कंप्लीट, अभी काफ़ी गया, हाँ प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया, इधर रोड के कनेक्शंस बन गए। बस अभी मुझे इसका यार थोड़ा सा ये नीचे ऐसा लग रहा है ये पूरा हवा में है। एक और विविंग स्टेशन का इसमें यहाँ पे लगा दूँ क्या, इसी के साइड में, ये देन रोड को हम थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे। हाँ यार एक और बन जाएगा यहाँ पे डेफिनेटली, तो ये इधर दूसरा इधर बनाते फिर जस्ट इसके साइड में, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक और लगाते हैं। हाँ ये आइडिया काफ़ी बेटर लगा है, मतलब लोग इसको यू नो दोनों तीनों तरफ से देख पाएंगे। परफेक्ट, ये रोड का कनेक्शन बन गया, इस तरफ रोड आ गया और अभी मुझे सेम ये रोड्स को बस चारों तरफ लेके जाना पड़ेगा। आई होप इधर से लोग बस चले जाए दूसरी तरफ कैसे भी करके। ये रोड के कनेक्शन ऐसे आएंगे, परफेक्ट। ब्रिज बस मुझे सामने की तरफ लेके आना है, ये रोड इधर आएगा ऐसा, आ जा भाई सामने की तरफ रोड, प्रॉपर परफेक्ट, ये दिखने में भी बढ़िया लग रहा है। अन्य हो गया आई थिंक, हो गया गाइज, अभी चारों तरफ विविंग प्लेटफॉर्म हमारे कंप्लीट है, बस उसका नीचे से मुझे कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा। ये पूरा ऐसा हवा में लग रहा है जो कि दिखने में गंदा लग रहा है, तो मुझे गाइज यहाँ पे उसको, अभी मेरे पास सॉल्यूशन है डोंट वरी, आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या करूँगा। पीछे की तरफ मैं सारे बड़े ट्रीज को ऐसे लगा देता हूँ गाइज, अभी सही लग रहा है, मैंने काफ़ी बड़े बड़े जायंट से ट्रीज लगा दिए और यहाँ से उन्होंने लोग इजीली जाके उधर देख सकते हैं। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हमारा हैबिटेट कंप्लीट हो गया कैमल के लिए। तो यहाँ से हमारा विविंग प्लेटफॉर्म है, बस अभी मुझे ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई लोग, अभी देखो लोगों ने तो जाना शुरू भी कर दिया, वेरी गुड, फाइनली गाइस लोगों ने भी यहाँ पे जाना शुरू कर दिया। तो मुझे यहाँ पे थोड़े से स्टेशंस वो डोनेशन बॉक्सेस वगैरह लगाने पड़ेंगे फैसिलिटीज में जाके, तो यहाँ पे थोड़े से डोनेशन बॉक्सेस लगाते जहाँ से हम थोड़े पैसे कमाएंगे। इधर एक लगाते, एक इधर लगाते, एंड आई होप यहाँ से कैमल बस उनको लोगों को दिखे, अगर दिखेगा नहीं ना कैमल तो ये लोग पैसे नहीं देंगे, बट आई थिंक दिख जाएगा। और नॉर्मली जूम में ऐसे ही उन्होंने ऑप्शंस होते हैं एनिमल्स को देखने के, और कैमल पे आई थिंक हमारा खुश लग रहा है, यहाँ पे इसको खाना पानी मिल रहा है ना टाइम टू टाइम, ये आईज ओके। कवरेज थोड़ा सा ट्रीज का और कवरेज चाहिए, इसको थोड़े से और ट्रीज चाहिए। रिसर्च कंप्लीटेड, आई थिंक अभी इनका कुछ नया अनलॉक हो गया उनका, उनको जो पसंद है, जो पसंद है नहीं तो एक बार देखते हैं एनरिचमेंट में इनका क्या नया अनलॉक हुआ है। खिलौने वगैरह इनको क्या चाहिए यहाँ पे, लगभग सारी चीज़ें पे तो मैंने यहाँ पे लगा दी है, और कुछ नया अनलॉक हुआ है क्या? ओ ये चीज़ अनलॉक हुई है, ये बॉल फीडर, लो भाई बॉल फीडर, अभी नीचे ये नीचे जा रहा है
अब आई थिंक ये इनके साथ खेलेंगे जिराफ, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्या क्या यहाँ पे लगा सकते हैं लगभग, बाकी की तो सारी चीज़ें मैंने लगा दी है। एक छोटा सा हट भी है, ये भी वैसे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, बट इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी लगभग सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, बस पानी पीने का एक सिस्टम होना चाहिए आई थिंक। तो पानी पीने का सिस्टम एक यहाँ पे लगाते हैं और एक आई थिंक नीचे होना चाहिए। पानी पीने का सिस्टम मैंने लगाना है, मैंने बस यहाँ पे फीडर ही लगाया था, तो एक पानी पीने का सिस्टम इधर लगाते हैं। अभी एकदम परफेक्ट है। और थोड़े से मुझे टीवी स्क्रीन्स वगैरह भी गाइस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो अभी तक तो मैं उनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा। और ये कार्स वगैरह भी है, ये लगा दे क्या इधर थोड़ा, ये अच्छा लगेगा ना उसको। एक कार रख दी है मैंने, आई डोंट नो, ये ऑफ रोड व्हीकल मैंने यहाँ पे लगा दी। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन साइन बोर्ड लगाते हैं, लगा दिया मैंने इन्फॉर्मेशन साइन बोर्ड। और यहाँ पे हमको बस जिराफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको भी पावर नहीं मिल रही है, बट मैंने यहाँ पे कैमल का बोर्ड लगा दिया है और इसको पावर नहीं मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे फैसिलिटी में आके ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वो मेरे पास अभी विंड टर्बाइन है, वो अभी मैं विंड टर्बाइन मैंने रिसर्च करा था थिंक उसकी वजह से, तो ये विंड टर्बाइन को इधर लगा देते हैं। इधर लगाते हैं, मैं ऐसे मैकेनिक आके इसको देख पाएगा, चेक कर पाएगा। सो आई थिंक आज के एपिसोड में बस इतना ही इनफ है। आज हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें करी है, कैमल का हैबिटेट बनाया, और नेक्स्ट एपिसोड में मुझे और कौन से एनिमल्स को लेकर आना चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट्स में सजेस्ट कर दो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टुडे शाउट आउट। तो आज के शाउट आउट के लिए मैं कैमल्स के ही नाम चेंज करूंगा क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा वियर्ड से नाम है। तो आज का सबसे पहला शाउट आउट जाता है निशा वर्मा को, तो इसको निशा बुलाएंगे, जस्ट निशा निशा। इस कैमल का नाम निशा है और ये दूसरा कैमल है, तो इसका भी नाम चेंज करके जीत को, तो ये वाले कैमल को हम जीत बुलाएंगे। तो निशा और जीत दो कैमल्स हमारे अभी जू में हैं। एंड देखो ये जो मैंने लगाया था यहाँ पे खाने के लिए, तो ये है कैमल उधर से ही खाना खा रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड मुझे नेक्स्ट एपिसोड में और कौन से एनिमल्स को लेकर आना चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट्स में सजेस्ट कर दो। एंड अगर आपके कुछ और सजेशंस है तो वो भी बता दो, मैं इनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गेमर्स।